नमस्कार मित्रों, आज 19 जून दिन रविवार सन 2022। आज रविवार होने के कारण आज मैं घर पे हूँ, तो आज मैं ज़रा देर से सो के उठा। करीब 9 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। डॉक्टर गौरव मौर्य जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई सर्जन है और फिलहाल चित्रकूट में रहते हैं, उन्होंने मैंने फ़ोन जैसे ही उठाया उसने कहा हैप्पी फादर्स डे पापा। तो मुझे पता चला कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे मेरे बच्चे ने मुझे याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरी दोनों बेटियों का भी फ़ोन आ गया, तो मुझे इनका फादर्स डे पे मुझे विश करना बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे अपने पिताजी याद आ गया, अपने पिताजी के बलिदान, अपने पिताजी के मेहनत की वजह से जो कुछ हूँ मैं हूँ। आज जो मेरे बच्चे हैं वो भी मेरे पिताजी के बनाए हुए नींव पर ही इतने बड़े बन पाए हैं। तो आज मेरे मन में आया कि मैं आज अपने पिताजी की कहानी कहूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी की कहानी शुरू होती है सन 1930 में। वाराणसी के छोटे से ग्राम कोदई में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी मर चुके थे, सिर्फ माँ थी और ये तीन भाई थे और एक चाचा का लड़का। चाचा भी मर गए थे उनके, तो कह लो कि ये लोग कुल चार भाई थे, मेरे पिताजी से दो बड़े और एक छोटे। घर की परिस्थिति बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उस समय गांव में जल्दी शादी ही होती थी, तो करीब करीब 12 साल की उम्र में पिताजी की शादी भी हो गई। तभी तभी गाँव में नई नई साइकिल आई थी, एक जन के पास साइकिल थी और पिताजी ने उससे कहा कि मुझे दे दो, एक दिन मैं देखूं कैसा होगा। उसने पिताजी की बेइज्जती कर दी और पिताजी को यह बात बहुत खल गई, तो उन्होंने तय किया कि मैं कमाऊंगा और साइकिल लूंगा। तो इतना पैसा कमाने के लिए तो घर से बाहर शहर में निकलना ही पड़ता, तो उन्होंने माँ से 1 रुपया उधार लिया, क्योंकि माँ को अपने मायके से मिला था 1 रुपया उधार था, और वह लेके बंबई आ गए। लेकिन पिताजी जब छोटे थे तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल भी था, अंग्रेजों का बनवाया स्कूल। इस कारण गांव में स्कूल होने के कारण हमारे गांव में न कोई लड़का उस ज़माने में अनपढ़ था, न कोई लड़की अनपढ़ थी। मेरे पिताजी भी पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन उनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, तो पिताजी खेतों में से मिर्ची थोड़े से चुरा के, थोड़े आलू, थोड़े बैंगन, थोड़े भरते, ये सब मास्टर को दे दिया करते थे और मास्टर ने इसी में उन्हें कक्षा 2 तक पढ़ाई कर दी। लेकिन पढ़ाई पहले इतनी अच्छी होती थी कि कक्षा 2 तक उन्हें हिंदी पढ़ना लिखना आ गया था, हिसाब किताब करना आ गया था। तो सन 1942 में पिताजी ने माँ से 1 रुपया लिया और 1 रुपया लेके बम्बई आ गए। बम्बई में वो आए सांताक्रूज में। सांताक्रूज में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे, एक एक घर में पहले 10-10, 20-20 पुरुष रहते थे। किसी कोई भी अपने घर में अपनी पत्नी को या महिला को नहीं रखता था, तो पिताजी वहाँ आए तो तब उन लोगों ने उनको रख लिया। बदले में पिताजी उनको बनाना खाना बनाते, खिलाते, उनके कपड़ा साफ करते और अपने काम पर भी जाते थे। उस ज़माने में ऐसा था कि मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी मिलें थी और इसमें इतने काम थे कि अगर कोई आदमी किसी मिल के आगे से गुजरता था तो मिल पे जो आगे पठान खड़ा रहता था वॉचमैन, वह उनको पकड़ के ले लेता था। तो पिताजी एक मिल में लग गए, लेकिन पिताजी जब भी गांव जाना होता मिल की नौकरी से रिज़ाइन दे देते, और रिज़ाइन देने के बाद उनको कुछ जो भी साल भर का फंड बोनस सर्विस होता सब एक साथ मिलता और वो गाँव चले जाते। और पिताजी ने इस थोड़ी सी कमाई में गांव में काफ़ी ज़मीन खरीदी, घर बनवाया, हम लोग संपन्न परिवारों में गिने जाने लगे। लेकिन पिताजी जो चार भाई थे उसमें बड़े भाई को 2 लड़कियां और 1 लड़के थे। उन लड़के जो उनका नाम था जयप्रकाश, बचपन में किसी बीमारी के कारण उनकी आँखें थोड़ी सी खराब हो गई थी और वह अच्छी तरह नहीं देख पाते थे। और 2 नंबर भाई जो थे वो गांव बाद में जो गांव के प्रधान हुए चल के आगे, उनको सिर्फ 1 लड़की थी।
तो एक लड़की और हमारे पिताजी को 5 लड़की और कोई भी लड़का नहीं। और इतना बड़ा जमीन जायदाद घर द्वार उन्होंने खड़ा कर दिया था, लेकिन लोग उनको तुम्हारा परिवार नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा करके ताना दिया करते थे। मेरी माँ भी रोया करती थी और पिताजी भी परेशान रहते थे, क्योंकि उस जमाने में लड़कों का बहुत महत्व था। वैसे लड़कों का महत्व आज भी है, हमारा समाज ही ऐसा है जिसमें वंश परंपरा तो बेटे से ही चलती है। बेटियों को महत्व अभी मिलने लगा है और मिलना भी चाहिए। तो पिताजी बंबई में आ गए थे, बंबई में उन्होंने अपना एक घर जोगेश्वरी में ले लिया था। घर क्या, वो दुकान थी, और उस दुकान में उन्होंने अपनी मेरी माँ को बुला लिया और अपने छोटे भाई को बुला लिया। मेरी माँ ने कहा कि यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ दिन भर, तो इसमें क्यों ना थोड़ा सा दूध रख दिया जाए, और उस दूध को बेच के घर का खर्च भी चलेगा। पिताजी को आइडिया पसंद आ गया और माँ ने वहाँ पे थोड़ा सा दूध दही और घी वगैरह रख के बेचना चालू कर दिया। और माँ बड़े साफ सफाई तरीके से दूध बेचती थी, इसलिए वो दूध की दुकान चल पड़ी और उसमें अच्छी कमाई होने लगी। तो हम लोगों का घर में और भी प्रोग्रेस होता गया, लेकिन हमारे घर में वही कमी कि घर का वंश चलाने वाला दिया नहीं था। 1965 के आसपास की बात है, मैं उस समय पेट में आया माँ के। तो पिताजी को माँ ने कहा कि देखो, यहाँ तो अभी मैं इस घर में छोटे से घर में रह नहीं सकती, और डिलीवरी होने पे बच्चे की कौन देखभाल करेगा। इसलिए पिताजी माँ को गांव में लेके गए, और उस गांव में 1965 के दरमियान मेरी पैदाइश हुई। और उस पैदाइश के बाद जब ये पता चला मेरी 5 बहनों को कि घर में भाई आया है, तो उन लोगों ने खूब नाचा गाया, गांव भर को इस खबर दिया, और पूरे गांव में मिठाई बांटी गई और जश्न किया गया कि चलो इनके घर में एक वंशज आ गया है। तो पिताजी तो फिर बाद में बंबई चले आए, वहां दुकान भी चला रहा था छोटा भाई उनका, और वो नौकरी भी कर रहे थे, सब कुछ मज़े में चल रहा था। और वहाँ पर मुझे स्कूल में डाल दिया गया, मैं वहाँ कक्षा 2 तक पढ़ा। फिर पिताजी ने कहा, पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ बड़ा बनूं, इसलिए वो मुझे बम्बई ले आए। और बम्बई ले आए तो जहाँ हम भांडुप में रहते हैं वहाँ पे हिंदी स्कूल के नाम से म्यूनसिपालिटी स्कूल थी, वहाँ पे डाल दिया गया था। इसी दरमियान पिताजी कक्षा 2 तक पढ़े थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी आने लगी थी। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आपको ये अंग्रेजी कैसे आती है? उसने कहा कि बेटा, मैंने हिंदी इंग्लिश टीचर लाया और उसको पढ़ पढ़ के अंग्रेजी जान गया, उसके बाद मैं अंग्रेजी पेपर पढ़ने लगा। और पिताजी की अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कक्षा 8 तक अंग्रेजी पढ़ाया, और उसी के बेस से जो मैं जानता हूँ वह है। अदरवाइज हिंदी मीडियम का स्कूल और म्यूनसिपालिटी के स्कूल में यह सब नॉलेज बहुत ही दुर्लभ होता है। तो पिताजी ने मुझे कक्षा 5वीं के बाद जैसे ही उनको मौका मिला मुझे निकाल के एक प्राइवेट स्कूल में डाला, इंदिरा देवी उत्तर भारतीय स्कूल, जो कि भांडुप स्टेशन के बगल में ही है, वहाँ पे डाल दिया गया। होशियार तो मैं था ही, और मुझे वहाँ पे मुझे भाषण देने की कला भी आ गई, तो मैं खूब पढ़ना लिखना के साथ भाषण भी देता था, तो स्कूल में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, काफ़ी मेरा नाम हुआ। खैर, ये मेरी कहानी आज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्रैक से भटक रहा हूँ। फिर आता हूँ पिताजी के ऊपर। पिताजी ने ज़िंदगी में पैसे बहुत कमाए, लेकिन पिताजी ने अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया। एक हाफ चड्डी और गंजी पहन के दिन भर वह रहते थे, और सबके लिए उन्होंने कुछ किया, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 1972 में पिताजी ने अपनी जोगेश्वरी की दुकान अपने छोटे भाई को दे दी, और अपने लिए उन्होंने दुकान भांडुप में खोला। और 72 में मैं भांडुप जब आया था, तब उन्होंने मेरा पहले नाम म्यूनसिपालिटी में लिखाया, और 5वीं के बाद मुझे उत्तर भारतीय स्कूल में डाला। वहाँ से मैं कक्षा 10 का एग्ज़ाम देके गांव चला गया। दोस्तों, तब न फ़ोन थे न कुछ था, तो मैं गया तो वहाँ गांव रह गया। और एक महीने के बाद जब बम्बई आया तो पता चला कि मुझे तो 80% है, और 80% उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, लोगों ने मुझे बधाई दिया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया है।
उसके बाद एक महीने में एडमिशन भी फुल हो गया था, लेकिन मैं सुमैया कॉलेज में गया, अच्छे परसेंट हो जाने के कारण प्रिंसिपल ने मुझे ले लिया और फिर मैंने वहाँ से ट्वेल्थ किया। उसके बाद अच्छे परसेंट उतने नहीं आए जितने दसवीं में आना चाहिए, उसके बाद ट्वेल्थ में 20% कम हो गए, करीब 63-64% आए, तो उससे तो कहीं मेडिकल में एग्ज़ाम हो नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं BMS को ट्राई करूं, और मेरे पिताजी भी थे उस समय, तो हम लोगों ने BMS का फॉर्म भरा और हमें साइन आयुर्वेद महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया। मैं फर्स्ट ईयर में था और कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए थे, हमारी भांडुप में पिताजी ने दुकान लिया था, उसमें मिठाई की दुकान खोल दी थी। तो उस मिठाई की दुकान में रहते रहते मैं कुछ मिठाइयाँ बनाना सीख गया था। तो हमारे एक मित्र थे संजय तिवारी, उनकी बहन के घर में सगाई थी, उन्होंने पहले तो भाई देखो इतना मिठाई वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लोग घर में ही बनाते थे। उन्होंने कहा कि यार मेरे घर में थोड़ा सा इमरती मिठाई बना दे तो मेरे काफ़ी पैसे की बचत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सवेरे सवेरे निकला तो पिताजी ने कहा मुझे बुखार आ गया है, तो मैंने कहा पिताजी दवाई ले लो, इनकी इज्जत का सवाल है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो पिताजी ने कहा चले जाओ। मैं वहाँ से दिन भर मिठाई बना के जब शाम को आया तो पता चला कि पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें लकवा हो गया था। हमारे परम मित्र अशोक जैन जो पड़ोसी हैं, उन्होंने भांडुप के श्रेणिक हॉस्पिटल में ले गए, उनका इलाज हुआ, जान तो बच गई लेकिन लकवा हो गया था। मुझे बहुत पछतावा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं था, और आज तक उस चीज़ को मैं दोषी मानता हूँ कि काश मैं होता तो शायद पिताजी को लकवा ना होता। खैर इसके कारण मैंने अपने पिताजी की बहुत सेवा की, 6-7 साल जिए, जितने दिन दिए, बीच में चलने भी लगे, कुछ दिन वो गांव में रह के आए। जहाँ कोई कहता था कि यहाँ लकवा का इलाज होता है मैं वहाँ चला जाता था, यहाँ तक कि मैं गुजरात से जाके 2 वैद्यों को पकड़ लाया था और 1 महीना वो लोग ने यहाँ रह के पिताजी का इलाज किया, दवाई दी। पिताजी को थोड़ा सुधार हुआ लेकिन फिर भी पिताजी ठीक नहीं हो पाए। मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, 87 के दरमियान मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि मेरे ऊपर पूरा बोझ आ गया था, लेकिन मैंने पिताजी का संघर्ष देखा था, मैंने हार नहीं मानी और मिठाई की दुकान में चलाने लगा, और मैंने फिर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन दुकान और ये दोनों करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने दुकान भाड़े पर दे दिया और मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर ली। रात में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था और दिन में कॉलेज जाया करता था। कॉलेज में भी मैं काफ़ी एक्टिव था, मैं कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी बन गया था, काफ़ी नाम था, इज्जत था, सब कुछ था, मेरी तब तक शादी भी हो गई थी। इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी के संघर्ष में आगे बढ़ता रहा। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ पिताजी नहीं है। पिताजी की कहानियाँ याद हैं, पिताजी की मेहनत याद है, पिताजी का सिखाया हुआ आज तक मुझे याद है। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा मरा घोड़ा घास नहीं खाता है, इसलिए जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी इज्जत कर लो, उसे प्यार कर लो, उसके लिए जो करना है कर लो, लेकिन मरने के बाद तुम जो ये इसके क्रिया कर्म और ये सब नाटक करते हो ये सब बेकार है। यह बात मैंने आज तक दिमाग में रखी है। फिर मेरी माँ के भी अंतिम दिनों में माँ का पैर टूट गया और माँ 90 के ऊपर थी, फिर वह चल ना पाई। 7-8 साल मैंने अपनी माँ की भी खूब सेवा की, बिस्तर पे की ही सब कुछ उनका होता था। इसमें मेरे पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, भगवान ऐसी पत्नी सभी को दे। यहाँ तक कि मेरी दोनों लड़कियाँ भी मेरी माँ का, चाहे मल मूत्र त्याग साफ करना हो, चाहे उनको नहलाना हो धुलाना हो, हर चीज़ का करते रहे। और मेरा बेटा तो डॉक्टर बनने के चक्कर में हमेशा ही घर से बाहर रहा। तो बेटो, तो दोस्तों आज बेटे के फ़ोन आ गया तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। मेरा दिल कसक रहा है कि आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन पिताजी नहीं है। काश पिताजी होते तो देखते उन्होंने जो पौधा लगाया था वो कितना बड़ा हो चुका है। आज मेरे पास पिताजी की बनाई हुई दुकान है, मेरी बनाई हुई दुकान है, मेरा घर है, गाँव में इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, बस पिताजी नहीं। दोस्तों अगर आपके पास आपके पिताजी हैं तो आप बहुत किस्मत हो, आपके पिताजी आपके भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ोगे। हम छोटी बड़ी मुसीबतों में माँ को याद करते हैं
लेकिन जब सामने से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या सामने से अचानक एक ट्रक आ जाए या कोई बड़ी चीज़ धक्का लग जाए तो हम कहते हैं बाप रे बाप। तो बाप हमेशा बड़ी मुसीबतों में काम आता है। तो आप अपने पिताजी को आज सब लोग याद कीजिए, अगर हैं तो उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और अपने आप को भाग्यवान मानिए कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी आपके भगवान हैं। तो पिताजी आप जहाँ भी हैं, मैं आप सुन रहे हैं या देख जरूर रहे होंगे, तो आपके चरणों में मैं नमन कर रहा हूँ और आपके कारण आज जो मेरे पास है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।